हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाने वाले हैं होंडा यूनिकॉर्न के अंदर स्मॉल मिरर्स को किस तरीके से इंस्टॉल करें। सो आप देख रहे हैं एसेट वाइज, मेरा नाम है समीर। सो लेट्स स्टार्ट इट ब्रो। सो आई एम सॉरी गैस, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है गैस। वीडियो लेट होने का कारण था मेरी बाइक के अंदर जो है छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था। ये रात जो है आप देख सकते हैं, मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो कि ये सिल्वर कलर का था, अभी जो है वो ब्लैक कलर का है। बिकॉज जो है मेरी बाइक जो खड़ी हुई थी, किसी ने लेके आके ठोक दिया था भाई साहब ने। सो ये भी चेंज किया है मैंने, और आप आगे की साइड भी आप देख सकते हैं छोटे से स्क्रैचेस हुए थे, और इससे भी पेंट हो चुका है। और यहाँ पे ऊपर की साइड से भी आप देख सकते हैं, डूम्पर भी हम पे थोड़े से स्क्रैचेस हो चुके थे। एक्टिवा में लेके आके ठोका था बाइक को, खड़ी हुई थी। सो ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, ज़्यादा तरीके से बाइक को मार पड़ा है, आई मीन चोट लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको शील्ड और क्रैक लगी हुई मिल जाएगी। सो ये मेन कारण था वीडियो लेट आने का। सो आई एम सॉरी गाइस, वीडियो आपको मैं इंशाल्लाह रेगुलरली आपको देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर रहे थे, अगर से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो करो, यूज़र आईडी आपको ऊपर दे दूंगा। और यूट्यूब पर भी कमेंट कर रहे थे न्यू वीडियो कब आएगा। सो न्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस, लव यू। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऑलराइट गाइस, बहुत दिनों से ये बॉक्स जो है हमारे शॉप पर रखा हुआ था, तो इसका वीडियो बनाना था गाइस। वीडियो बना नहीं पा रहा था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, और आपको रीज़न भी मैंने बता दिया। बाइक के अंदर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका था इस वजह से, और शॉप पर भी थोड़े बहुत काम थे, इस वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया। सो आप लोग भी मुझे कमेंट कर रहे थे यूनिकॉर्न के अंदर मिरर का वीडियो बनाओ, और फिर यूनिकॉर्न के अंदर मिरर लगाओ। सो फाइनली मैं आपके लिए इस वीडियो के लेकर आ चुका हूँ, इससे आपको भी आप भाइयों को भी पता चल जाएगा यूनिकॉर्न के अंदर जो है वो छोटे मिरर्स किस तरीके से लगते हैं, और इसके अंदर जो है वो बड़े मिरर से ज़्यादा छोटे मिरर जो है और थोड़ा सा बाइक को अट्रैक्टिव बनाते हैं और अच्छा भी लगेगा बाइक। तो चलिए से फटाफट अनबॉक्स करते हैं इसके मिरर्स को, देखते हैं किस तरीके से मिरर्स जो है हमें आते हैं ऑनलाइन पे बाय करते हैं तो भी। सो आप देख सकते हैं मिरर्स जो है कुछ इस तरीके से आते हैं। चलिए से अनरैप कर लेता हूँ, इसे कवर निकाल देता हूँ। इससे आप देख सकते हैं कैसे मिरर्स जो है एकदम छोटे से क्यूट से भोले वाले मिरर रहते हैं। सो ये नाजुक मेटल है, इससे लगाने के बाद बाइक को गिराना नहीं चाहिए, आपको गिराते हैं तो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा। ये बड़ा मिरर भी आपको डैमेज हो सकता है, छोटा वाला मिरर भी होएगा ही होएगा। तो चलिए मैं इसका दूसरा भी मिरर दिखा देता हूँ। तो गैस, आप जो भी भाई मेरे रफ्यूज़ नहीं करते हैं वो लगाइए, अगर से आप रफ्यूज़ करते हैं बाइक को थोड़ा बहुत लगाते हैं या फिर गिराते हैं तो आप इसी मिरर को ना लगाइए, आपके पैसे जो है वेस्ट हो जाएंगे। तो गैस हम तो ऐसे नहीं है, इस वजह से मैं मिरर को लगा रहा हूँ। फटाफट देखते हैं इसका लुक किस तरीके से आता है। सो गैस, इसे इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। सो आप इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लब्बर आता है, उस लब्बर को हैंडल के अंदर आपको जो है ऑलरेडी वो एक होल रहता है, उस होल के अंदर इस लब्बर को अंदर की तरफ पुश कर इसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें, जिस तरीके से आप देखना चाहते हैं। अगर से आप अपने हाइट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें, एडजस्ट करने के बाद में गैस आपको सिंपली एक 5 नंबर की अलंकी लेकर अलंकी की मदद से इसे टाइट कर देना है, उतना ही है, बस आसान है, आप घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर से आप इसके पुराने वाले शोरूम पे जाते हैं, उस मिरर से आप बोर हो चुके हैं, सो निकाल चुके हैं, तो आप इस मिरर को लगा के थोड़ा सा मॉडिफाई वाला भी लुक मिल जाएगा, और आपको व्यू भी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आप देख सकते हैं प्रॉपरली होल्ड हो चुका है। अगर से तभी भी ये थोड़ा सा हिलता है तो आप इसे अलंकी की मदद से ही प्रॉपर से टाइट कर सकते हैं, तभी इसके बाद ये जो है प्रॉपर तरीके से होल्ड कर चुका है, हैंडल के साथ जो है वो हिल रहा है। तो चलिए इसके दूसरे सेट वाला भी मिरर जो है उसे इंस्टॉल कर देते हैं, वो भी इजी है, सेम तरीके से उसे भी इंस्टॉल करना होता है। लब्बर में अंदर लब्बर अंदर डालकर उस अलंकी की मदद से टाइट कर देना होता है, बहुत ही आसान है, आप घर पर ही कर सकते हैं। एक 5 नंबर की अलंकी रहना है और इस मिरर को इंस्टॉल करना है, लुक जो है वो बॉम्ब लुक रहेगा आपको यूनिकॉर्न के अंदर या फिर किसी भी बाइक के अंदर आप लगाते हैं तो मिरर जो है वो एकदम कूल लगेंगे, और पुराने वाले मिरर से जो है वो थोड़े से हटके लगेंगे। मैं भी मिरर नहीं लगाने वाला हूँ आप लोगों के कमेंट करने पर, और मुझे भी ये मिरर जो है वो लगाना था, वीडियो बनाकर दिखाना था आप लोगों को, इस वजह से मैं वीडियो बनाऊँ और इंस्टाग्राम पे कमेंट करने की वजह से। सो आप देख सकते हैं गैस, हमारे मिरर जो है वो दो भी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो चुके हैं, एकदम ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं गैस। आई रियली लाइक इट दिस लुक ब्रो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं गैस, इस मिरर के अंदर इसका व्यू दिखा देता हूँ, इसमें कितना आपको दिख सकता है। आप देख सकते हैं गैस, अमेजिंग व्यू आपको इसमें मिल रहा है, जो कि मैंने इसमें एक्सेप्ट नहीं किया था। आप देख सकते हैं इतना व्यू अगर से मिलता है तो हाईवे के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी है गैस। बड़ा मिरर आपको ऊपर की साइड देता है, वो भी अच्छा लुक देता है, और ये लुक के मामले में और व्यू भी अच्छा है इसका। इस मिरर्स का आप लुक देख सकते हैं गैस, पीछे से किस तरीके से दिखता है। आप हमारा ओल्ड वाले मिरर से इस वाले मिरर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है गैस। आई रियली लाइक इट दिस व्यू एंड दिस लुक। सो गैस, आप इसका पीछे से भी आप देख सकते हैं, इसका व्यू जो अच्छा आ रहा है और देखने में भी अच्छे तरीके से लग रहा है, गुड लुकिंग मिरर्स हैं। सो आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं, जो भी बाइक हमारे बाइकर जो यूनिकॉर्न पे मिरर्स निकाल चुके हैं तो आप इसे इस मिरर्स को लगाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो एंड आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया लिंक्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कीजिए, बाय बाय। सो गैस, यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर आजकल ज़्यादा एक्टिव रह रहा हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।
इंस्टाग्राम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर ब्रो, बाय बाय।